सो हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और इस बार 2024-25 के बैच में, या कहने का मतलब कि इस बार जो पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, इस पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इस बार कौन कौन से कोर्सेस में एडमिशन होने वाला है, एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, इसको लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि अगर आप सर्च करें कि पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन 2024-25 यानी इस साल एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, कब तक एडमिशन का प्रोसेस होगा और कौन कौन से कोर्सेस में एडमिशन होगा, अगर आप ये सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि इस वीडियो में ये सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आपके लिए बात करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पटना वुमेन्स कॉलेज में इस बार कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होने वाला है। और ये जो वीडियो है ये बेसिकली है यूजी वालों के लिए, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, यानी यदि आप क्लास 12th पास है, यदि आप क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं, या अगर आप 12th के बाद किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो पटना वुमेन्स कॉलेज में कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, पटना वुमेन्स कॉलेज के बारे में अगर बेसिक बात करूं तो पटना वुमेन्स कॉलेज बेसिकली एक प्राइवेट कॉलेज है, और इस प्राइवेट कॉलेज में कई सारे कोर्सेस कराए जाते हैं। ये कोर्स, ये जो कॉलेज है, स्पेशली गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड है। अब इस कोर्स में, इस पटना वुमेन्स कॉलेज में इस साल जो 2024 से जो 25 का टाइमिंग है, इसमें कौन कौन से कोर्सेस में एडमिशन होगा, यानी कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन होगा, अगर इसको लेकर के मैं बात करूंगा तो इसमें कई सारे कोर्सेस हैं और कोर्सेस के बारे में आप देख भी सकते हैं। यानी इस पटना वुमेन्स कॉलेज में इस बार 2024 से 25 का जो सेशन है, इसको सेशन के तौर पे अगर मैं आपको बात करूं तो थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। क्या चीजें हैं? तो 2023 में बिहार गवर्नर साहब के पास से एक रूल आया निकल करके, उस रूल के अकॉर्डिंग कहा गया कि बिहार में जो ग्रेजुएशन होगा अब 4 सालों का होगा, या फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये भी आई थी 2020 में, और इसके अकॉर्डिंग भी कहा गया था कि जो ग्रेजुएशन है उसको 4 साल में कीजिए। बिहार सरकार ने इसे 2023 में लागू किया। तो पटना वुमेन्स कॉलेज बेसिकली पटना यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज है, और पटना यूनिवर्सिटी क्या है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। यानी इसका मतलब कि ये जो पटना वुमेन्स कॉलेज है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, यानी इसकी पूरी जो सिस्टम है ये सेट करती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्यपाल साहब। तो इससे कंफर्म हो गया क्या? कंफर्म ये हो गया कि जो पटना वुमेन्स कॉलेज है इस बार जो एडमिशन होगा वो कौन से सेशन के लिए होगा, तो 2024 से लेकर के 2028 के लिए। क्या हो गया? इस बार जो बैच होगा एडमिशन का वो क्या होगा, 2024 से 28। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेस में इस बार एडमिशन होगा। अगर मैं बात करूं कौन कौन से कोर्स में, तो बीए के कोर्स में, बीएससी के कोर्स में, बीबीए के कोर्स में, बीसीए के कोर्स में, एएमएम के कोर्स में, बीकॉम के कोर्स में, बीएमसी के कोर्स में, सीईएमएस के कोर्स में, और माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स में, और 4 और न्यू कोर्सेज को अटैच किया गया। वो न्यू कोर्सेज कौन कौन से हैं इनके बारे में भी बात करते हैं। शॉर्ट में ये समझ लीजिए, ये जितना भी सारा कोर्स है ये 4 साल का कोर्स है, यानी 4 साल में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। हालांकि आप 3 साल की पढ़ाई भी करके छोड़ सकते हैं, ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके लिए फायदेमंद की बात है। यानी अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में अगर आपको करियर बनाना है, तब तो आप 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिए। मतलब अगर आप करियर में पीजी करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, रिसर्च सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिए। और अगर आपको जनरल कॉम्पिटेटिव या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या बीपीएससी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको ग्रेजुएशन करना है, तो बस आप 3 साल का कीजिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में बताया गया। तो इस बार जितने भी सारे कोर्सेस में एडमिशन होगा इस बार कहिए, या फिर इसके पहले भी, पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन का पूरा जो प्रोसेस है वो एक एंट्रेंस टेस्ट डिसाइड करती है। यानी अगर आपका टेस्ट में नंबर आता है, अगर आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तब जाकर के एडमिशन होता है, अदरवाइज एडमिशन नहीं होता। हालांकि एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत और भी जानेंगे, अभी कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको बताना है। पहले जान लीजिए कौन कौन से कोर्सेस में और इस बार एडमिशन होगा। तो इतना सारा कोर्स के बारे में तो आपने जाना, तो इस बार यानी 2024 में पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा से कुछ और भी नए कोर्सेज को लॉन्च किया गया है। इट मींस न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च्ड एट पीडब्ल्यूसी 2024, यानी 24 यानी 2024 के लिए पटना वुमेन्स कॉलेज की तरफ से कुछ नए कोर्सेस हैं। कौन कौन से नए कोर्सेस हैं? तो यहाँ नया कोर्सेस क्या है, बीएससी इन डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स में। अगर आपको बीएससी करना है डाटा साइंस में, तो डाटा साइंस में भी आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी आप कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में कर सकते हैं। यानी आपको बीएससी के कई सारे एक नए ऑप्शंस भी आए हैं। तो ये दो कोर्सेस मैंने आपको बताया। तीसरा कोर्स क्या है? तीसरा कोर्स है, आप बीए कर सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग में। यानी
जनरली फैशन डिजाइनिंग के लिए गर्ल्स लोग को दिल्ली जाना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था, पुणे जाना पड़ता था। पटना में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होता नहीं था, तो ऐसी स्थिति में पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा से फिर से एक ऑफर आपके लिए किया गया। आप अपना करियर बना सकते हैं फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में भी इस बार, और आप अपना करियर बना सकते हैं इन कॉमर्स प्रोफेशनल में भी। तो इस बार चार नए कोर्सेस को अटैच किया गया है। कुछ पहले से कोर्सेस थे, पहले से कितने कोर्सेस थे, तो पहले से अगर आप काउंट कीजिएगा तो ये जो टोटल कोर्स थे पहले कुल मिलाकर के 9 कोर्सेस थे, यानी 9 कोर्सेस थे। चार और कोर्सेस को अटैच किया गया है, यानी इस बार जो टोटल कोर्स है ये 13 कोर्स है। 13 कोर्स में से किसी भी कोर्स में आप एडमिशन इस बार पटना वुमेन्स कॉलेज में ले सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट आता है एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है। देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो उम्मीद है कि मार्च के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पंचुअलिटी के मामले में आगे है, डिसिप्लिन के मामले में आगे है पटना वुमेन्स कॉलेज, और यही इसके रेपुटेशन को डिसाइड करता है, यानी इसी के चलते इसका इतना नाम है। तो ये हर चीज को टाइम पे करती है। तो मार्च के आसपास में इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीना का टाइम मिलेगा आपको एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करने का, यानी अप्रैल तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, और मई में इसका टेस्ट होगा, यानी इसमें एडमिशन लेना है तो टेस्ट देना है। तो मई में टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा जून होते होते, और जून से जुलाई होते होते पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट जो डेट शीट है ये मैंने आपको डेट शीट बताया। पूरी की पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके एंट्रेंस के टेस्ट में परफॉर्मेंस पे। यानी अगर आपका टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, इसको आप मैं शॉर्ट से इस तरीके से समझा देता हूं कि अगर जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, ये जो एडमिशन प्रोसेस होगा, इस एडमिशन प्रोसेस के लिए जरूरी क्या है, आपका परफॉर्मेंस, यानी यानी जो होने वाला टेस्ट है, अगर आप इस टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, यानी अगर आपका नंबर ज्यादा आता है, या कह सकते हैं अगर आपका नंबर ज्यादा है, शॉर्ट में समझ सकते हैं, अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है तभी यहां पर एडमिशन पॉसिबल है। यानी जो पटना वुमेन्स कॉलेज टेस्ट लेती है इसमें आपका अच्छा नंबर आना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में होता है तब आपका एडमिशन होगा, अगर मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये शॉर्ट बात है। तो मेरिट लिस्ट सिलेक्शन करने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है पटना वुमेन्स कॉलेज 100 नंबर का टेस्ट लेती है। 100 नंबर के टेस्ट में अगर स्टूडेंट का एवरेज अगर 80 के आसपास आ जाए, 80 85 के आसपास आ जाए, तो समझ लीजिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, और वैसा सिचुएशन में आपका सिलेक्शन पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं हो पाएगा। तो जरूरी चीज क्या है, पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन का जो टेस्ट होगा इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना, यानी इसमें टेस्ट में आपको क्या करना है, 80-85 के आसपास आपको नंबर लाने का टारगेट करना है, नहीं तो फिर एडमिशन होना डिफिकल्ट है, एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा ऐसे टॉप कॉलेज में। और फिर वैसे सिचुएशन में आप किसी दूसरे कॉलेज में चले जाइएगा जिस कॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है, जिस कॉलेज का कोई रेपुटेशन है, क्योंकि इस ग्रेजुएशन, ये जो ग्रेजुएशन का कोर्स है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके करियर के लिए, क्योंकि करियर की जो शुरुआत होती है, जो बेसिक जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, यहीं से डिसाइड कोई भी स्टूडेंट करता है कि उसको किस चीज में करियर बनाना है। तो वो ग्रेजुएशन बहुत ही सोच समझ के करता है। तो ग्रेजुएशन सोच समझ के अगर आप करते हैं तो ग्रेजुएशन के लिए अच्छे कॉलेज भी मैटर करते हैं, अच्छे पेपर भी मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आपका नंबर ज्यादा नहीं आएगा तो लास्ट टाइम आपको जबरदस्ती किसी भी पेपर आपको दे दिया जाएगा। कॉलेज तो आपको मिल जाएगा पटना वुमेन्स कॉलेज, लेकिन पेपर आपको मिल जाएगा अटपटांग, जैसे बीकॉम में अकाउंट मिल जाएगा, बीकॉम में कॉर्पोरेट मिल जाएगा, एएमएम का पेपर मिल जाएगा, फिर आपको होम साइंस का पेपर मिल जाएगा, फिलोसफी का पेपर मिल जाएगा, मतलब जिसमें सीट खाली रहेगा, जिसको कोई नहीं पूछता है वो आपको जबरदस्ती दिया जाएगा, और आप ज्यादा सोच समझ नहीं पाते हैं, आप क्या करते हैं कॉलेज के चक्कर में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि हर साल हम लोग का काम, हर साल एडमिशन करवाते हैं हम लोग, हर साल कोर्सेज को पढ़ाते हैं, हर साल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो हर साल हजारों की संख्या में लड़कियां कॉन्टेक्ट में रहती है, लड़कियों का एडमिशन होता है हर साल, मैं देखता हूँ हर साल हमारे बैच में भी कई सैकड़ों लड़कियां होती है, 300-400 के आसपास हर बैच में लड़की होती है। पिछले साल भी 300 से 400 के आसपास लड़कियों का एडमिशन मैंने करवाया, लड़कियों को मैंने कोर्सेज, मतलब मैंने एडमिशन के लिए टेस्ट की तैयारी करवाया और इसके बाद उनका एडमिशन हुआ। और लास्ट में मैंने देखा कि जिनका मेरिट लिस्ट में या फिर जिनका नंबर कम आया, जो सही से पढ़े नहीं थे, वो लास्ट में कोई भी अटपटांग पेपर ले लिए, और रिजल्ट एंड क्या हुआ कि 4-5 महीना पढ़ते पढ़ते फिर वो क्या कर लिए, एडमिशन कैंसिल करवा लिए और उनका साल बर्बाद हुआ।
तो ऐसा काम आपके साथ ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एडमिशन टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपका नंबर ज्यादा आएगा, नंबर ज्यादा आएगा तो मन चाहा पेपर बीसीए तो बीसीए कीजिए, बीबीए तो बीबीए कीजिए, बीएससी मैथ में करना है तो मैथ में कीजिए, बीए हिस्ट्री में करना है तो हिस्ट्री में कीजिए। जो मन करे, जिस पेपर में पढ़ने का मन करे, जिसमें करियर बनाने का मन करे, आप उसमें करियर बना सकते हैं। और अगर आपको ये जो 13 कोर्सेस मैंने बताया अलग अलग, ये सारे कोर्सेस में अगर आपको एडमिशन किसी भी कोर्स में लेना रहे तो इसके लिए जरूरत होती है आपके एंट्रेंस टेस्ट, और एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है। और इससे अच्छा आपको चैनल दूसरी जगह मिलने की आशंका तो मैं आपको बहुत कम बताता हूँ, क्योंकि हर साल सैकड़ों गर्ल्स की जो एडमिशन है वो हर साल हम लोग इस कॉलेज में करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने टेस्ट के बदौलत पे। तो हम लोग आपको टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, तो अगर आपको टेस्ट से तैयारी अगर हम लोग अगर आपको हमारे कोर्सेज के थ्रू टेस्ट की तैयारी करनी रहे तो आप हमारे कोर्सेज के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्सेज से ज्वाइन होने के लिए यानी टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल के प्ले स्टोर में जाकर के आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का क्या नाम है? ऐप हमारा है की ऑफ सक्सेस, और की ऑफ सक्सेस के नाम से ऐप क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद बेसिक डिटेल के साथ आपको रजिस्टर कर जाना है। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं फिर आपको कोर्सेज दिख जाएंगे और आपको क्या कर लेना है, कोर्सेज के साथ ज्वाइन कर जाना है। अब हमारी कोर्स की स्पेशलिटी क्या है, हम क्या वैल्यू देते हैं, क्या कंटेंट देते हैं, क्या मटेरियल देते हैं, क्या देते हैं, सारी डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में एक वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो में देखिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि हम आपको देते क्या है। तो पटना वुमेन्स कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना रहे तो एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना है, और अगर आप टेस्ट की तैयारी के लिए अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट की सर्च में है, आप अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूट की तलाश में है जो आपकी तैयारी को बेहतर कर सके, तो इसके लिए आप हमारे कोर्सेज के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज से ज्वाइन करने के डिटेल, कोर्सेज के बारे में पूरी डिटेल वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप इस पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन 2024 में ले सकते हैं। बाकी अगर आपका किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर और किसी अदर इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रहने के लिए या पटना वुमेन्स कॉलेज के सारे 2024 के एडमिशन अपडेट पाने के लिए आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ आपको पटना वुमेन्स कॉलेज का सारा इन्फॉर्मेशन ऑन द टाइम मिलता रहेगा। तो जब एडमिशन का फॉर्म आएगा, जब अप्लाई करने का प्रोसेस आएगा, जब टेस्ट होगा, जब एडमिशन होगा, सब कुछ आपको मिलेगा अपडेट इसी ऐप पे। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और ऐप डाउनलोड करने के साथ क्या हो जाएगा, आप अप टू डेट रहिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो के सारे कंटेंट आपको समझ आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप डाउट्स के रिगार्डिंग कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो मच, थैंक यू।